दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा की न्यू SP125 BS6 के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन बाइक है और इसमें बहुत से ऐसे नए फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि इस सेगमेंट में एकदम नए हैं। तो मतलब ये है ना कि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं इस बाइक के बारे में, जहाँ तक कि हम इसका ऑन रोड प्राइस भी आपको बताएंगे कि कंप्लीट बाइक आपको कितने की मिलेगी, तो आप अपना बजट भी सेट कर पाओगे कि आपके बजट में ये बाइक आती है या फिर नहीं। और ख़ास बात आपको ये बताओ दोस्तों कि अगर आप 125 सीसी की बाइक लेने वाले हैं तो हो सकता है कि ये बाइक आपको वैल्यू फॉर मनी हो सकती है, आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए इस बाइक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों जो कलर आप देख रहे हैं ये है, आपको इस कलर का नाम बता दूं, ये है स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर। और इसके अलावा भी तीन कलर जो है उपलब्ध हैं, जिसमें आपको रेड मेटेलिक मिलेगा, साइरन ब्लू मिलेगा और मेटेलिक ग्रे कलर मिलेगा। मतलब टोटल इसके चार कलर अभी तक जो है उपलब्ध है, उसमें जो कलर आपको फेवरेट है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए अब बात करें इसके फ्रंट के डिस्क की, तो यहां पर आपको 240mm का डिस्क मिल जाता है। और ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसमें आपको CBS मिलता है, यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। अब कहीं पर भी CBS लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको इसमें CBS मिलता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि CBS होने की वजह से जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसका काफ़ी बढ़िया है। और फ्रंट का जो टायर है और पीछे का टायर है, दोनों टायर की साइज एकदम सेम है, 80x100 का 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं दोनों, आगे और पीछे। और जो फ्रंट का सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका हेडलैम्प, जो कि पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी कमाल का लुक निकल के आता है इसका, और इसका जो ब्राइटनेस निकल के आता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितना बेहतरीन इसका उजाला है। पहले यहाँ पे आपको हाइलोजन बल्ब मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको फुली LED सेटअप मिल जाता है। तो 125 सीसी की बाइक्स में भी अब आपको जो है फुली LED सेटअप मिल रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, जो कि दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस बाइक का, मतलब दूसरा सबसे बड़ा चेंज है। यहाँ पे देखिए आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि 125 सीसी की बाइक में अब आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइम, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, मतलब कि अब आप किस गियर में हो आप अपने मीटर कंसोल को देख के पता कर पाओगे। और साथ ही साथ इसमें टाइम के साथ आपको स्पीडोमीटर, आपको ओडोमीटर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका लेफ्ट हैंडल बार है, यहाँ पे एक स्विच मिलता है जिसके दो फंक्शन है, आप पासिंग स्विच की तरह भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई बीम भी जला सकते हैं। ये देखिए लाइट, आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट है, और मैं आपको कैमरा इसके सामने ले जाके दिखाता हूँ कि जो इसका उजाला LED का पूरा निकल के आता है हेडलैम्प का, वो कितना प्रॉपरली कितना बेहतर होता है। तो आप कमेंट में बताते चलिएगा कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है और इसके जो नए फीचर अपडेट करे गए हैं वो कितने बेहतरीन हैं और कितने भावने हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए काफी ब्राइट है, आप देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्शन काफी बढ़िया बन रहा है, तो ये सही चीज है। अब जैसे ही बाइक जो है रात में उतरेगी रोड्स पे और इसका टेस्ट राइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो सारी चीज डिटेल में पता चल जाएगी। तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको सिर्फ तीन स्विच मिलेंगे, साइड इंडिकेटर, हॉर्न और आपको एक स्विच जिसमें आपके दो फंक्शन मिल जाएंगे। अब आते हैं राइट हैंडल बार पे, यहां पे भी आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि 125 सीसी की सेगमेंट में भी अब आपको इंजन किल स्विच मिलता है पल्सर और KTM बाइक के बाद, अब आपको यहाँ पे SP125 में भी मिलता है। और इसके दो फंक्शन है, इससे आप अपने इंजन को ऑफ भी कर सकते हैं और इंजन को ऑन भी कर सकते हैं। अब ये आप कैसे करेंगे हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाते हैं, आप देखिए और कमेंट में बताते चलिए कि ये फीचर आपके लिए कितना बेहतर साबित होगा। तो गाइस ये बात हो गई इसके फीचर की, मैंने आपने देखा होगा लाइव कि कैसे आप इंजन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी सही फीचर मुझे लगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसके इंजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फीचर आपको और बता दूं कि इसमें आपको अफ FI सिस्टम मिलेगा, मतलब कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा। तो अब इसके डीप में न जाते हुए मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ कि अब आपको जो है कार्बोरेटर हटा के FI मोटर सिस्टम दिया गया है, तो अब आपको पहले से बेहतर माइलेज मिलेगा। अब माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूँ कि 65 से 70 का माइलेज आप
आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा अगर आप एवरेज राइड करते हैं तो, और आप और बेहतर तरीके से राइड करते हैं, आपकी राइडिंग क्वालिटी और अच्छी है तो आप उससे भी ज़्यादा माइलेज इससे गेन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका साइलेंसर देखिए, यहाँ पे आपको स्टील का फिनिश जो है नया देखने को मिलेगा, तो ये भी एक चेंज ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और मैंने आपको बता दिया है कि आगे और पीछे दोनों तरफ आपको जो है इसमें 18 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, और ब्रेक की बात बताऊं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा जो कि 130 mm का यानी 130 mm का है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, जो कि इससे सस्ता पड़ेगा आपको। तो अगर आपको डिस्क की आदत नहीं तो आप ड्रम मॉडल ले लीजिए, अगर डिस्क की आदत है तो आप डिस्क का मॉडल भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इसका पीछे का टेल लैंप जो कि अंदर बल्ब भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी LED मिलेगा, यहाँ पर आपको बल्ब मिलेगा लेकिन फिर भी LED जैसा लुक ही निकल के आता है जो कि काफ़ी प्रीमियमनेस को बढ़ाता है इस पूरे बाइक के। अब यहाँ पे आपको लेडी पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, तो मतलब ये है कि ये फैमिली बाइक है, आप इसे डेली कम्यूटर के हिसाब से और फैमिली बाइक के हिसाब से आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। और ये देखिए इसका जो ग्रैब रेल है, यहाँ पे आपको रबर की कुशनिंग मिल जाती है, तो ये मुझे ना बहुत मज़ेदार लगती है क्योंकि जो BS4 मॉडल थी ना वहाँ पे भी आपको रबर कुशनिंग मिलती थी, तो इसको पकड़ने में ना एक एक्स्ट्रा अच्छा वाला फील आता है, मतलब बढ़िया लगता है। और सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो जो BS4 पुरानी मॉडल थी साइन SP125, उसमें सीटिंग कंफर्ट को लेकर ज़्यादा शिकायत नहीं थी, वैसे इसमें भी है कुशनिंग आपको अच्छी मिलती है, आपको सीटिंग कंफर्ट बढ़िया मिल जाएगी। जो शिकायत आती थी वो सिर्फ ये आती थी कि सस्पेंशन क्वालिटी को लेके, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो BS6 अभी जो लॉन्च करी गई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें सस्पेंशन क्वालिटी को पिछले वाली BS4 से बहुत ज़्यादा सुधारा गया होगा। तो ये बात हो गई है पीछे वाले सस्पेंशन, आपको बता दूं तो पीछे आपको हाइड्रोलिक टाइप का ट्विन सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल होगा। और फटाफट आपको इंजन के बारे में बता दूं दोस्तों, इसमें आपको 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, 124cc का इंजन इसमें लगा हुआ है। जो मैक्स पावर आपको मिलेगी वो 8 kW यानी किलोवाट की मिलेगी, अगर हम इसे HP में कन्वर्ट करते हैं तो 10.72 HP की मैक्स पावर मिलेगी 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 10.9 Nm का मिलेगा 6000 RPM पे। और दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि इसमें आपको किक भी मिल जाता है, तो FI होने के बावजूद भी इसमें आपको किक की सुविधा मिल जाती है, तो काफी सही चीज है क्योंकि इंडिया के हिसाब से देखा जाए ना तो किक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो यह काफी सही चीज है। अब दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका एक फीचर मैं आपको और बता दूं, तो इसमें कंपनी आपको कहती है कि इसमें आपको ESP मिलता है यानी इन्हेंस स्मार्ट पावर, मिला जुला कि इस पूरे ही इंजन को जो है कोशिश करी गई है कि इसका जो रिफाइनमेंट है, इसका जो स्मूथनेस है वो काफ़ी बढ़िया बना रहे, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है साइलेंट स्टार्ट विथ ACG। अब ये फीचर ये कि आप इस बाइक में साइलेंट स्टार्ट का जो है मज़ा उठा सकते हैं, तो ये जैसे ही बाइक रोड पर आएगी बहुत सारे इसके टेस्ट राइड होंगे, बहुत से लोग कम से कम 10-15-20 हज़ार किलोमीटर इसको राइड करेंगे, तब जाके जो इसका एक यूज़र और हॉनेस्ट ओपिनियन निकल के आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन उस वीडियो को मिल पाए। तो बहुत जल्दी हम इसका यूज़र रिव्यू भी लेके आएंगे आपके लिए। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इसके प्राइस के बारे में, आप अपना बजट सेट कर लीजिएगा और जो प्राइस हम बता रहे हैं इसके बेस पे आप जो है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको इसका प्राइस कैसा लग रहा है। तो फटाफट आपको बताते हैं, तो देखिए प्रयागराज इलाहाबाद में इसका जो प्राइस पड़ेगा ड्रम मॉडल का वो 72,874 रुपीज़ यानी कि 72,874 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और ये कंप्लीट बाइक आपको मिलेगी 85,000 से 90,000 के बीच में। अब ये बीच वाला शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों ताकि अगर आप कहीं पर भी हों इंडिया में तो आप जो है इस चीज़ को अनुमान लगा पाओगे कि इसी के बीच में आप अपना बजट सेट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ड्रम मॉडल का मैंने प्राइस बता दिया, अब बात करते हैं डिस्क मॉडल की जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 77,074 रुपीज़ यानी कि 77,074 रुपये, और ये कंप्लीट बाइक आपको 90,000 से 95,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई इस बाइक के बारे में, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि इसमें क्या क्या नए नए फीचर और सारी चीज़ें क्या मिलती हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी ये बाइक और कैसे लगे इसके फीचर्स, आप कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट्स के साथ। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इलाहाबाद के आसपास के हैं, तो एजेंसी के नंबर पर डिटेल पे आप कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।